अब जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये 3.5 साल के लिए चुनाव होने जा रहा है और ये एक ऐसा चुनाव है जब से देश आज़ाद हुआ है और देश आज़ाद होने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं, उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस्तीफा दिया है और उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे क्या कारण रहे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी तो चाहे कांग्रेस की सरकार है उसको समर्थन कर सकता है, चाहे विपक्ष है उसको समर्थन कर सकता है। इस्तीफा देने की क्यों जरूरत पड़ी और वो दोबारा से फिर 3.5 साल का क्या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, उन्होंने 14 महीने में इस्तीफा दिया, अब क्यों लड़ेंगे चुनाव, ये तो भारतीय जनता पार्टी क्या टिकट देती है फैसला करती है, तो उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ तो स्पष्ट नज़र आती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में विधायकी थी उसको बेचा है। या तो ये इतने संत होते कि सोचते कि हम राजनीति छोड़ रहे हैं, हम इतने दुखी हो गए, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, अपनी विधायकी को बेचकर फिर दोबारा से प्रत्याशी बनना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है। और हिमाचल की जनता ने तय करना है, हिमाचल की जनता ने तय किया और मेरा मानना है कि ये तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी तय करना है कि ईमानदारी से जो आपने 5 साल के लिए चुनकर जो विधायक बेचे थे उन्होंने 1.5 साल में क्यों इस्तीफा दिया और क्या अगले 3.5 साल का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट में प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुभकामनाएं, देश के 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं और हिमाचल जो हमारा प्रदेश है उनसे हम चाहते हैं कि आपदा के समय भी हमारी कोई सहायता, स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं हुआ था, मैं उनसे मिलूंगा भी और स्पेशल रिलीफ पैकेज की भी बात करूंगा। जेपी नड्डा बने हैं अनुराग, बहुत खुशी की बात है कि जेपी नड्डा जी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका बनना तय था, अगर अनुराग जी भी बन जाते तो भी अच्छा हो जाता, दो मंत्रिमंडल में पहले भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, तो जो भी मंत्रिमंडल में बनता है उससे प्रदेश को फायदा ही होता है। सर, जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, बहुत गलत बात है, बहुत कारहना हरकत है, हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। धन्यवाद सर। एक दिल्ली को पानी देने वाला मामला है, ये हरियाणा हाईकोर्ट नहीं, दिल्ली को जो पानी देने का मामला है वो हमारा दिल्ली सरकार से समझौता हुआ है और मैंने उनसे कहा है कि दिल्ली सरकार को जो हम पानी देंगे वो हम अपनी संपदा है, उस पानी पर हम दिल्ली सरकार से क्यूसिक मीटर या लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे, उस पर दिल्ली सरकार ने सहमति बना दी है। अब दिल्ली हिमाचल से जो पानी छोड़कर जाना है वो हरियाणा होकर जाना है, तो हमारा उसमें कुछ ज़्यादा वो रह नहीं जाता, हम पानी देने को तैयार है, हमारे पास पानी है, हम भी हिंदुस्तान के निवासी है, भारत के जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको हमारा पानी हरियाणा को भी मिले और दिल्ली को मिले, हमारे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारे पास जो रिसोर्स है उसमें हमने कहा है कि जो पानी हम देंगे वो हम उनसे थोड़ा बहुत उसका मूल्य जरूर चार्ज करेंगे ताकि हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ें।